आप सब लोग आए, अल्लाह बख्श, सॉरी आपको इसको ज्यादा बोल दिया, लेकिन कुछ चीजें जो होती है उसको फॉलो करो। जैसे उमेश सर बोल रहे थे कि फॉलो अप बहुत जरूरी है, जैसा कि अगर एक अपने परिवार जैसे किसी चीज को मान के चलोगे ना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब मानना ही नहीं तो फिर आने का मतलब नहीं है। दो लोगों को बता दिया, अरे मैं तो आ गया था, अरे प्रेजेंट था मैं, तो सर मेरे को नहीं मारेंगे, क्या फायदा? पर प्रेजेंट होके अपने आप को रियल में प्रेजेंट करके किए नहीं तो फिर फायदा क्या? वैसा प्रेजेंट होने का फायदा नहीं है, तो प्लीज ठीक है, ओके। और एक टॉपिक, पानी, आजकल नल चालू कर दिया, छोड़ दिया, बाजू वाले को बोलो आंटी नल बंद कर दो, तेरा बाप बिल भरता क्या? सीधा वर्ड भाई, उनको समझाओ। एक एक आपको बताओ, एक लीटर पानी भी अगर बचाते हो ना, बहुत बहुत ज्यादा पानी, यहाँ पे अगर 200 बच्चे आए तो 200 लीटर पानी तो बच तो जाएगा, और ये अभी रियलिटी पता नहीं चलेगा। एक बार 90 के आसपास पानी भरने के लिए ना नाके से भी आगे अंधेरी तक नहीं डब्बा लेके जाना पड़ता था, वो रियल में एक वापस ही एक चीज आने वाला है। आपको एक एक डब्बा लेके ना लंबा लंबा लाइन लगाना है, तब आपके पानी का मतलब समझ। अभी तो पानी बस भरते जाओ, किस क्या प्रॉब्लम है? बाजू वाले से पूछो, ऐसे से कुत्ता जा रहा है उसको और एक दो पत्थर मार दो और भोंकने चालू कर देगा, जस्ट लेके ऐसे ही कुछ है। तब उन्हें बंद करके समझाओ कि ये क्या इम्पोर्टेंट है, उनको समझ में आएगा। एक दिन बंद करो, दो दिन बंद करो, तीसरे दिन उसको समझ में आने पर बार बार क्यों आके नल बंद कर देते हैं, तो उनको उस समय बार बार समझ में आएगा कि नल बंद करने का रीजन क्या है। अभी 2 बजे से पानी आ रहा है, फिर 4-6 बजे चला जा रहा है, अभी बराबर थोड़ा इम्पोर्टेंट समझ में आ रहा है, बराबर डब्बा भर भर के रख रहे, ठीक है, ये और ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए आप लोग भी उसी चीज को फॉलो करो, आप अपने घर का पानी बचाओ पहले, बाजू वाले अपने आप ही बचा लेंगे।